हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी टुडे न्यूज। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जुलाई से दिसंबर महीने तक की बंपर वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जुलाई से लेकर के दिसंबर के महीने तक जो बंपर भर्तियां आ रही है उनकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और रोजाना इसी प्रकार नई वैकेंसी के अपडेट के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 1,60,000 पदों पर जो बंपर भर्तियां आ चुकी है जुलाई से दिसंबर महीने तक में, तो उन भर्तियों की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप कक्षा 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इन बंपर भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। 1,60,000 पदों पर ये बंपर वैकेंसी है जो कि सरकारी नौकरी है। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। अगर आप 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं, फिर भी अगर आपके पास में कोई भी एक सरकारी नौकरी नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस साल 2022 में मिलेगी एक सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं इस साल 2022 में एक सरकारी नौकरी पाने का। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के महीने में बंपर वैकेंसी आ चुकी है जो कि सरकारी डिपार्टमेंट से है, रेलवे की तरफ से है, एसएससी की तरफ से है, बैंक की तरफ से है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से है, अलग अलग डिपार्टमेंट से भर्ती की सूचना जारी की गई है। पूरी भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई करें और इस साल 2022 में जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो पूरा कर सकें। दोस्तों अगर आपकी उम्र है कम से कम 18 साल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 50 साल तक के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ज्यादातर जो भर्तियां निकाली जा रही है दोस्तों इस साल 2022 में, उनमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्तियां हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी पूरी जानकारी के लिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, एक एक करके आपको भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों भर्तियों की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको सरकारी टुडे news.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आप आकर के वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और एक एक करके आपको 7-8 भर्तियों की जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर की जो भर्ती निकल कर आ रही है जो कि इस साल 2022 की भर्ती है, जुलाई से अगस्त के बीच में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर की जो भर्ती है वो है इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से, जो कि आप देख सकते हैं 14,500 से अधिक पदों पर यह नई भर्ती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एमटीएस के पद है, पोस्टमैन के पद है, मेल गार्ड के पद है और असिस्टेंट के पद है। कुल मिलाकर के 14,000 से अधिक पद यहां पर जारी किए गए हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती है, केवल आपको अप्लाई करना है, आपको ये नौकरी मिल सकती है, तो प्लीज अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं तो कम से कम 18,000 है, अधिकतम जो है 81,000। तो प्लीज दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। बिना एग्जाम के गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है केवल अप्लाई करने पर। सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको बता दें कम से कम 18,000 रुपए आपको ज्वाइनिंग के समय सैलरी मिलेगी। वहीं बढ़ते हुए क्रम में सैलरी है 81,000 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है। वहीं दोस्तों एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल तक की। उसके अलावा इस उम्र में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आप ये बेनिफिट भी ले सकते हैं। वही दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वही दोस्तों यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं अगर आप केवल 10वीं क्लास पास भी हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 12वीं कक्षा पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बता दें कि इसके आवेदन जो है अगस्त से लेकर के चलेंगे, अगस्त से सितंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। तो जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की एक और बंपर वैकेंसी के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये बंपर वैकेंसी है, जो कि इस साल 2022 की रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी भर्ती होने जा रही है। 29,500 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी है। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। ऑल ओवर
इंडिया की जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका सीबीडी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम जो है 28 साल है। आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर आप देख सकते हैं, अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है, बाकी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए ₹250 है, जो कि आपको रिफंडेबल है। आप एग्जाम देते हैं सीबीडी वन का, तो आप सीबीडी वन के एग्जाम के बाद आपको रिफंड हो जाते हैं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, आईटीआई पास हैं, डिप्लोमा पास हैं, डिग्री पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप दोस्तों 10वीं क्लास पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसके आवेदन जो है अगस्त से लेकर के सितंबर में होने की आशंका बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, जल्दी इसके आवेदन होने वाले हैं, तो आवेदन जो है अगस्त से सितंबर तक में संभावित है कि आवेदन आपके शुरू हो जाए। ठीक है, तो जैसे इसके आवेदन शुरू होंगे हम आपको बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे नंबर की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि निकाली जा रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी की तरफ से। जी हां दोस्तों, एलआईसी की तरफ से भी इस साल 2022 में आपको बंपर भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है। कुल मिलाकर 500 से अधिक पद यहां पर जारी किए जा रहे हैं, जो कि एलआईसी की तरफ से है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कौन-कौन सी वैकेंसी है, AAO की वैकेंसी है, यहां पर अलग-अलग डिसिप्लिन में वैकेंसी है। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। वहीं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की है। एज लिमिट जो है कम से कम 21 है और अधिकतम जो है 35 साल है। आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो है अदर्स के लिए 700 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 85 है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। और इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो साफ साफ बताया गया है, अगर आप एनी ग्रेजुएट पास है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीटेक पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी आवेदन जो है अगस्त से सितंबर तक चलेंगे और इसके जल्द ही यहां पर भर्ती प्रक्रिया होगी, दिसंबर तक में इसके एग्जाम होने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी आवेदन जैसे शुरू होगा हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों यहां पर भी आपको बंपर वैकेंसी देखने को मिल रही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है मल्टीपल जॉब से, क्लर्क की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर की है, नर्स की है, लाइब्रेरियन की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, केस वर्कर की है, हेल्पर की है, सिक्योरिटी गार्ड की है, ड्राइवर की है, काफी सारी वैकेंसी है। लगभग 6000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होना है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों इसके आवेदन जो है केवल आपको ऑनलाइन करने होंगे और यहां पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट जो है 18 साल कम से कम है, मैक्सिमम जो है 45 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। और दोस्तों सैलरी आपको 5200 से 20200 रुपए पर मंथ मिलेगी। एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल फ्री है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो है 8वीं पास से लेकर के 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा लिंक अप्लाई करने का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती जो कि निकाली जा रही है एमईएस की तरफ से, यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की तरफ से। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बंपर वैकेंसी है, लगभग 4500 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर जो पद है जूनियर इंजीनियर का है, सुपरवाइजर का है, एमटीएस का है, मीटर रीडर का है, मैट का है, यूडीसी का है, एलडीसी का है, ड्राफ्टमैन का है और भी अदर वैकेंसी है। 4591 पद हैं। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल रिटर्न एग्जाम होगा। सैलरी आपको 20200 से 56100 रुपए पर मंथ मिलेगी और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 30 साल है। आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए ₹100 है, एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास, आईटीआई डिप्लोमा, डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन जो है सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में होने की संभावना बताई जा रही है, तो जल्दी इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। जैसे आवेदन शुरू होंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर की नई और बंपर वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। अग्निवीर की भर्ती है, 25,000 से अधिक पद यहां पर जारी किए गए हैं। अग्निवीर के जो पद हैं जनरल ड्यूटी के पद हैं, जीडी के हैं, टेक्निकल के हैं, क्लर्क के, स्टोर कीपर के हैं, ट्रेडमैन के हैं, तो यहां पर 25,000 से अधिक पद यहां पर जारी किए गए। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। डिफेंस की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। और दोस्तों यहां पर सैलरी आप देख सकते हैं, पहले साल में आपको 30,000 मिलेगी सैलरी, उसके बाद 33,000 मिलेगी,
मिलेगी 36,500 और चौथे साल में आपको 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी आपको काफी शानदार मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है। एज लिमिट जो है 17.5 से 21 साल तक की है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं किस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। अलग अलग यहाँ पर प्रक्रिया है, पीईटी है, पीएमटी है, रिटन एग्जाम है, ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जाम है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है 10वीं पास 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एसपी की तरफ से आई आंगनवाड़ी की नई भर्ती के बारे में, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से है, यूपी की तरफ से है। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किया गया है वो है मुख्य सेविका के 2693 पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। यूपी इंडिया की जॉब लोकेशन है। एज लिमिट जो है 21 साल है कम से कम, अधिकतम जो है 40 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 25 है, एससी एसटी के लिए भी 25 है, पीएच के लिए भी 25 है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका रिटन एग्जाम होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर केवल डिग्री पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 24 अगस्त तक चलेंगे, लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की बंपर वैकेंसियों की जानकारी। कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।